तो गाइस एक और बात ये है कि बहुत अच्छी लगी, जो कि मतलब हम जब यहाँ पे खा रहे थे बैठकर, तो ये जो यहाँ पे कैप्टन है, तो ये जो यहाँ पे कैप्टन है ये आके हमें एड्रेस कर रहे थे रेगुलरली, और साथ ही साथ ये हमें पूछ भी रहे थे कि मतलब क्या डिफरेंट होना, मतलब किसी में आपको अगर स्पाइसी चाहिए या फिर किसी में आपको थोड़ा स्वीटन अप करना है, ये हमें आके बोल रहे थे कि एक्चुअली बच्चे बड़े बूढ़े सब आते हैं, तो इसीलिए मतलब इसको मिनिमल स्पाइसेस के साथ बनाया गया। तो अगर आपको स्पाइसेस और भी ज्यादा चाहिए तो ये आपको बता देंगे। सर हम लोग जो खाना बना कर रखते हैं सर मेनू बेस करके रखते हैं, लेकिन टेस्ट हर इंसान का अलग अलग होता है सर। हमारे इधर भी बच्चा बड़ा सबको ही खाता है, तो हर इंसान का टेस्ट अलग रहता है, तो इसी सब से हम लोग नाम डाक लो, और कुछ कमी रहेगा तो सर मैम प्लीज शेयर कीजिएगा, तो हम लोग कस्टमाइज करके आप लोग का जैसा लाएगा बना के खिलाते हैं सर। तो गाइस ये बात जो है मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी, हम लोग प्लीज थैंक यू। You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी जो है मैं आ गया हूँ बारबेक्यू मेंशन, जस्ट बिकॉज़ टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि वेदर इट्स वर्थ इट टू लाइक अटेंड द बारबेक्यू दैट इज सॉरी द बफे सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड इन बारबेक्यू नेशन। अब मैं यहाँ पे खा रहा हूँ और एक बार मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू भी चला जाऊंगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि विच वन इज वर्थ इट। तो चलिए अब शुरू करते हैं ब्लॉग। ये ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं होगा, और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल। তন্দুরি পনির টিক্কা এটা এটা সবনাম কি মূর্তি মাশরুম কি সবনাম কি মূর্তি মাশরুম সবনাম কি মূর্তি তন্দুরি সয়া চপ তন্দুরি সয়া চপ। তো গাইস अभी जो है फिश कलमी कबाब लग गया है, এটা দেখ কি ডিফারেন্ট আছে দাদা। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे स्टार्टर में पानी पूरी दी गई है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये जो चटनी है तीन तरह की चटनी, इसमें ये जो चटनी है ये इमली की चटनी है टैमरिंड की, ये जो है गार्लिक वाली चटनी है, और ये मूंग चटनी मतलब रायता टाइप ऑफ चटनी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इस तरह से दिया जाता है, इसमें जो है टोटल ऑलमोस्ट 60 से कम आपको गुलगप्पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये पानी पूरी आपको मिल जाएगी। क्या है क्या पटेटो काजू स्पाइसी पटेटो में काजू स्पाइसी पटेटो, और ये जो है कुछ क्रिस्पी कॉर्न बेबी कॉर्न जो है ये दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है भाई, तो ये मैं टच कर रहा हूँ ये टोटल पड़ गया, तो जल्दी से अभी से मैं टेस्ट कर लेता हूँ। भाई अभी मैंने इमली वाली चटनी के साथ टेस्ट किया, अगर आप इसे इमली वाली चटनी के साथ टेस्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको वो जो मीठा वाला जो आप गोलगप्पा खाते हैं अपने घर वाले मतलब घर के सामने जो मिलता है वैसे वाला फ्लेवर आपको मिल जाएगा। ये गार्लिक वाला थोड़ा डिफरेंट है, एंड दिस मिंट वन गिव यू अ टेस्ट ऑफ दैट बिरयानी वाला रायता। फिर भी मैं आपको और एक बार टेस्ट करके लाइव रिव्यू दे देता हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते और आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस चटनी। ये ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टाइप का चटनी है, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप तीखा प्रेफर करते हैं तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप तीखा थोड़ा खट्टा प्रेफर करते हैं तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। और बाकी अगर आप पानी पूरी लवर है तो पानी यहाँ पे है दिवाई और सही। और गाइस ये जो क्रिस्पी पोटैटो है ये क्रीम के साथ मतलब मेयो में डुबाया गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट सिंपल है, देयर इज नथिंग डिफरेंट देन दिस। तो आप इसे टेस्ट करें या ना करें यू विल गेट अ नॉर्मल मील। तो गाइस एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो इनका बेबी कॉर्न है ये काफ़ी ज़्यादा गाइस अमेजिंग है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये इन लोगों ने कहा ही था कि ये सिग्नेचर वाला है, तो मुझे भी ऐसा लगा इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, और इसे मैं देना चाहूँगा 10 out of 10। एक और बात मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि यहाँ पे अभी तक मतलब स्टार्टर्स में ही हम सिर्फ मतलब 10 types ऑफ कबाब टेस्ट कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ का जो बेबी कॉर्न है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेजिंग है, तो मैंने देखिए कितना सारा फिर से देख लिया देख पा रहे हैं, तो आप टेस्ट कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये 3 types of चटनी है,
ये जो है मिंट चटनी है, ये जो है गार्लिक चटनी है, और ये जो है टैमरिंड चटनी है। पूरा मुझको देखिए खा वो, तो गाइस ये जो फिश कलमी कबाब है गाइस, इट्स एज स्मूथ एज बटर। तो ये फिश का पीस तो मतलब लग ही नहीं रहा, काफी ज्यादा सॉफ्ट है ये और काफी ज्यादा स्मूथ है। फिश है लेकिन इट गाइस कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10। इवन आई कुड गिव इट 20 आउट ऑफ 10, बट इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी लाइट। खाते खाते मैं एक आप लोगों को एक शॉर्ट मतलब टिप शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, वो ये है कि आप जो अगर ये चिली बेबी कॉर्न जब आप खाएंगे टू गेट द बेस्ट टेस्ट आउट ऑफ इट, आपको ये टैमरिंड वाली मतलब इमली वाली चटनी का टेस्ट करना चाहिए, मतलब इट विल बी अ कंप्लीट 20 आउट ऑफ इट। ये 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस ये जो है गाइस आप लोगों ने कितने लोगों ने आप राइट गेस किया वो नहीं पता। ये जो है ये पाइनएप्पल के पीछे है और ये पाइनएप्पल को हम लोग फर्स्ट टाइम खाने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये मैं अभी दही वाली चटनी के साथ खाने जा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो चलिए अब जल्द से इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो गाइस एग्जैक्ट टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कोई भी बंगाली मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ पे बंगाली बंदे की शादी पे जाते हैं, एट द एंड ऑफ ऑल मतलब पूरा मील खत्म होने के बाद, पूरा मेन्यू खत्म होने के बाद जो है यहाँ पे वो एक मीठी चटनी देते हैं आपको, काजू और ऐसा एक जो है चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है, सेम टू सेम वो पाइनएप्पल से बनता है और चीनी के सिरप से बनता है, तो सेम वैसे ही टेस्ट है। देयर इज नथिंग नॉर्मल, बट दिस थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस इज कि ये जो है आपको कबाब फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक पाइनएप्पल जो कि है एक डेजर्ट, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है कॉर्न वाला सीख है, इसमें 3 पीसेज ऑफ कॉर्न है जो कि तंदूरी स्टाइल में इसे कुक किया गया है। टैमरिंड वाली चटनी के साथ इसे एक बाइट इसका लेके देखता हूँ। तो गाइस ये टैमरिंड वाली चटनी के साथ सॉरी गार्लिक वाली चटनी के साथ उतना ज्यादा खास लगा नहीं मुझे, तो चलिए अब इसे मिंट वाली चटनी के साथ खा के देखते हैं। उतना ज्यादा खास नहीं है गाइस, तो आप मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी आप लोगों के लिए, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसे टैमरिंड यानी इमली वाली चटनी के साथ ये जो कॉर्न वाला कबाब है आप इसे जरूर टेस्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि वो। तो गाइस अभी जो है ये मेरे हाथ में ब्रोकोली है, तो ब्रोकोली जैसे कि आप जान सकते हैं कि इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसे मैं टैमरिंड वाली चटनी के साथ टेस्ट करूँगा। तो गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऑलिव ऑयल में इसे थोड़ा सा हल्का फ्राई किया गया, क्योंकि ऑलिव ऑयल का मैं अपना टेस्ट फील कर पा रहा हूँ, तो इसमें टेस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बट इट गुड फॉर लाइक गुड फॉर योर हेल्थ। बाकी आपके भी मिलते हैं, थैंक यू। ये जो है गाइस अभी ये टोमेटो का एक पीस है, रोस्टेड टोमेटो, और ये जो है पीछे मशरूम है, इसे मैं गार्लिक वाली चटनी के साथ टेस्ट करूंगा।
मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ब्रोकली और मशरूम जब खाएं उसे गार्लिक वाली चटनी के साथ खाएं। तो गाइस अभी अभी जो है मैंने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज खाई जो है किंग कोबरा का जो है पीस, जैसे पीस किया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये किंग कोबरा का जो है ये देखिए जैसे कि यहाँ पे रिप केज था। तो गाइस काफी ज्यादा टेस्टी है गाइस, जस्ट अमेजिंग। तो गाइस सॉरी मैं मना कर रहा था, ये एक्चुअली सोया बीन जो होता है उसे चॉप करके मिक्स करके बनाया गया है ये टिक्का टाइप का, तो मुझे उतना अमेजिंग नहीं लगा लेकिन ह्यूमन लेवल पे। तो गाइस ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है बासा मछली का ये कबाब है, तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और भले ही उस वाले कबाब जैसे नहीं है सॉफ्ट। चलिए अब इसे जल्द से टेस्ट करते हैं। सेम स्मूथनेस है गाइस, सॉरी मैं टच करके फील नहीं कर पा रहा था लेकिन जैसे ही मैंने इसे टेस्ट किया as soon as it went into my mouth like my mouth was completely like salivating। तो ये जो है काफी ज्यादा स्मूथ है, स्पाइसी नहीं है, तो यू कैन जस्ट कम्प्लीटली प्रेफर इट। तो गाइस मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर माय सब्सक्राइबर्स कि आप जब ये स्टार्टर खा लें और आप पेट भर के खाइए स्टार्टर, डरिए मत कि इसके बाद हम मेन कोर्स कैसे खाएंगे। उसके बाद आप एक कोक ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है, कोक ऑर्डर करके जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं ये डाइट कोक ऑर्डर किया, ठीक है, ताकि मैं अभी खा सकूँ इसे और खाने के बाद थोड़ा वेट करके डाइजेस्ट करके उसे फिर मैं जाऊँगा मेन कोर्स। तो ये जो है एक कोर टिप है गाइस, इसके लिए आप यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि मैं जो है काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ अभी खा के, ठीक है, तो अभी मैं आधे घंटे का ऐसा रेस्ट ले रहा हूँ, दो कोक मैं अभी तक खा चुका हूँ लेकिन अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो दैट्स द मोस्ट सैड पार्ट, ठीक है। तो अभी देखते हैं कब तक डाइजेस्ट होता है, फिर कंटिन्यू करेंगे वहाँ से, ठीक है। आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर से लाइक कीजिएगा, मैं अपने जान को जोखिम में डालकर खा रहा हूँ और चैनल को ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है इनका बटर केक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है ये यहाँ पे हार्ट डिज़ाइन किया गया, जैसे कि आप डिटेलिंग देख सकते हैं हार्ट डिज़ाइन किया गया और ये बर्थडे स्पेशल जो बटर केक है, साथ ही साथ ये जो है टेस्टी मिलती है और ये जो है वाइट मिल्क वाला जो है कंडेंस्ड चीज़ है। ये जो प्लेटर आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है मूंग दाल का हलवा है, ये जो है गुलाब जामुन है, ये जो है गाइस ब्राउनी है डार्क चॉकलेट ब्राउनी, ये जो है चॉकलेट पेस्ट्री, ये है रेड वेलवेट केक और ये जो है कीवी, कीवी जो फ्रूट होता है उसका केक, और ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये कुछ कोकोनट और चौको वाला कुछ है, ये कुछ बोलते हैं ऐसे कोकोनट और चौको का जो है ये मिश्रण है बॉल, कोकोनट एंड चौको बॉल, और ये जो है मैंगो जेली विद व्हाइट क्रीम। तो गाइस ये सारे ही सारे जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मैं खाकर मतलब क्या बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है गाइस, आप जरूर आइए और टेस्ट कीजिए। अब हम इसके बाद आइसक्रीम टेस्ट करेंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं ये जो है मसाला मिंट कोला है, तो ये जो है थर्ड कोला है गाइस, ऑलरेडी दो कोको कोला खा चुका हूँ लेकिन अभी कुछ डिफरेंस आया नहीं है, पेट जो है टोटली फिल्ड अप हो गया है, बड़ी मुश्किल से अपने जान को जोखिम में डालकर मैं खा रहा हूँ। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हो सके तो शेयर कीजिए।